हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल हर लड़की की प्रॉब्लम बनती जा रही है पिंपल्स, एक्ने। इनफैक्ट लड़की की ही क्यों, ये लड़कों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करने जाए तो इसके लिए हमें ढेर सारी वीडियोस, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, पर इसमें से बहुत कम तरीके ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं, अच्छे होते हैं। और फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या हमारी स्किन के लिए सूट करेगा और क्या नहीं, क्या हमारी स्किन के लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे दो होम रेमेडीज जिससे कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर वापस आ भी जाए तो हमारे पास इसके लिए सोल्यूशन होगा पहले से ही। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक आध हो तो उसे हम पिंपल बोलते हैं, एक आध से ज्यादा हो तो उसे एक्ने बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। होते तो ये बहुत जिद्दी हैं और देके जाते हैं एकता। पिंपल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर कुछ मेजर रीजन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला रीजन है पिंपल का स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे पिंपल जरूर आएगा ही आएगा। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, 24 घंटे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अगर आपको पिंपल नहीं चाहिए, पिंपल फ्री स्किन चाहिए, तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद करिए और खुश रहिए। सेकंड रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। मोस्टली ये टीनेज इशू है, टीनेज में पिंपल्स होते ही हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लेकिन कभी कभी ये 18+ के बाद भी होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सबसे ज्यादा पीसीओडी के जो शिकार होते हैं उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से हमारे पिंपल्स हो जाते हैं। रीजन है क्लॉग्ड पोर्स। टी जोन एरिया में छोटे छोटे जो होल नजर आते हैं उसे हम बोलते हैं पोर्स। अगर वो ज़्यादा खुल जाते हैं और उसमें ज़्यादा हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, उसके बाद हमारे धूल डॉट उससे चिपक जाती है, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं, और जो ऑयल है, डॉट है, धूल है, वो उन पोर्स में बंद हो जाती है, जम जाती है, तो उसके बाद एयर के साथ ऑक्सीडाइज होके वो ब्लैक हेड्स और पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। फोर्थ रीजन है डेड स्किन। हमारी स्किन रिपेयर होती है, नई बनती है, डेड होती है, फिर नई बनती है, फिर डेड होती है। अगर हम डेड स्किन को हटाएंगे तभी तो हमारी नई स्किन ऊपर आएगी। तो इसके लिए आपको वीक में 2 बार स्क्रब करना होता है, और जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई हैं उन दोनों में स्क्रब शामिल है। आपका स्क्रब अपने आप हो जाएगा और जो भी डेड स्किन है वो बिल्कुल हट जाएगी। सारी रीजंस थे पिंपल और एक्ने होने। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एस्पिरिन। इसमें एंटी एक्ने सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं जो एक्ने पिंपल्स को कम करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है लैम जूस। इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि एक्ने हील करने में हेल्प करता है। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। लेमन जूस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करती हैं, और लेमन जूस डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को भी कम करने में हेल्प करता है। यहाँ मैंने 2 टैबलेट्स एस्पिरिन की ली हैं। दोनों को इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर ब्रश की सहायता से एक थिक लेयर अपने फेस पे लगा ली है। आप चाहे तो फिंगर टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 15 से 20 मिनट रखना है अपने फेस पर और उसके बाद वॉश कर देना है ठंडे पानी से। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये आपको वीक में 2 बार करना है। सेकेंड रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ओट्स। ओट्स सोक करता है स्किन के सारे एक्सेस ऑयल को। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। ये एक नेचुरल क्लींजर का भी काम करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ अनियन जूस लिया है 1 चम्मच। अनियन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि नरिश करते हैं स्किन को और प्रिवेंट करते हैं एक्ने और स्कार्स को, और पिगमेंटेशन मार्क्स और ब्लेमिशेस को भी कम करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये एक नेचुरल क्लींजर का भी काम करता है। ओट्स डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को। दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है अच्छे से, उसके बाद एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा लिया है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको ये वीक में 2 बार करना है। इसे आपको 15 से 20 मिनट अपने फेस पर रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर देना है। दोनों रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव हैं। जो दोनों रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर करी है बहुत ही इफेक्टिव है, 100% रिजल्ट्स देंगे आपको। आपके पिंपल्स हमेशा के लिए चले जाएंगे, हमेशा के लिए आप उन्हें गुड बाय बोल देंगे। और अगर आपको ये दोनों रेमेडीज सूट करती है, इफेक्ट करती है, अच्छा या बुरा जैसा भी, तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।